सुबह 8:30 से हमारा काफिला निकला हुआ है और अभी हम लोग गए थे सज्जू बाग। अब यहाँ के वार्ड काउंसलर दीपू जी और पप्पू खान रोहिला साहब के साथ आए हैं। सब गांव-गांव और घर घर घूम रहे हैं। असल में कल ही आना था शाम में, लोग सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन कई एक गाँव में गए, वहाँ से लौटे 11:30 बज गया। आज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे अपना एक एक डोर टू डोर हम लोग कंप्लेन करेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी के कामों को देखते हुए और जो 18 साल से जिन्होंने इंसाफ के साथ विकास किया उसको देखते हुए अपने अमीरियत के तमाम लोगों से अपील करने आए हैं कि आप लोग किसी भी तरह से दिग्भ्रमित या किसी भी तरह से आप लोग इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज़ादी के 75 साल में जिस इंसाफ के साथ उन्होंने काम किया है और आजकल लोग जो नया डायलॉग दिए हैं कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें जो है वो नौकरी देंगे। नौकरी तो नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार तो इस तरह से काम करते हैं कि शोर हो जाता है और लोग शोर मचाने लगते हैं दूसरे पार्टी के लोग। तो जो काम नीतीश कुमार के कैबिनेट ने जो नौकरी दी है और अभी 10 लाख लोगों की रोजगार के लिए नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कैसे करते हैं इन लोगों के लिए। आवाम के जानिब से किस तरह की हिमायत मिल रही है? हिमायत तो काफ़ी मिल रही है, नीतीश जी के नाम पे, उनके काम पे मिल रही है। इंसाफ के साथ जो उन्होंने विकास किया है और सभी समाज का किया है और ख़ास करके अक्लियत के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। 90 का दशक याद रखना चाहिए कि 90 में क्या हो रहा था और 2000 पहले आप यहाँ से अगर गया से या यहाँ बिहार शरीफ से पटना जाते तो 6 घंटा लगता, आज 1.5 घंटा लगता है। आप ही लोग अपने सीने पर हाथ रख के बोलिए 1.5 घंटे में पटना बाईपास पहुँच जाइएगा। अच्छा, मुस्लिम मतदाता को जो मिसकन्विंस किया जा रहा है तो उसको आप कैसे मानते हैं? हम लोग भी अपनी बात सब रखते हैं और मुस्लिम लोगों से अपने भाई लोगों से बात करने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वो जो भयावह एक वक्त था जिससे लड़के लड़कियां जब अपने घर से निकलते नहीं थे, बच्चों की तो बात, लड़के को भी लोग जाने बच्चों को नहीं भेजते थे कि भाई हमारे बच्चे का अपहरण हो जाएगा। और आज जो है बच्चे बच्चियाँ BDO CEO डॉक्टर कोचिंग कंप्यूटर मदरसा में बच्चों की पढ़ाई होती है और मौलवी के सर्टिफिकेट के बाद इंटर की जो डिग्री है, इंटर का जो एडमिशन है वो उसके लिए मान